जैन और बौद्ध को अपने साथ रखा है। हम भी कुछ अपवाद के साथ आपके साथ चल सकते हैं। हमको भी जब सिख जैन बौद्ध को अलग धर्म का कोलम कोड मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मिल सकता। तो जितने बीजेपी आरएसएस के नेता बुद्धिजीवी है, आपसे मेरा आग्रह है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हम द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी के साथ चलना चाहते हैं, मगर हमारी शर्त है पहले सरना धर्म कोड देना होगा। तुम हमको सरना धर्म कोड दो, हम सब आदिवासी का वोट देंगे। ठीक है कि नहीं? वोट दो, वोट लो, वोट दो, वोट लो, हमको मत भटकाओ। और हम जितना होगा भारत देश में झारखंड में आदिवासी को बचाने के लिए ये काम करने के लिए अब हम कटिबद्ध है, संकल्पित है। हमारा एजेंडा है पांच। पहला एजेंडा है सरना धर्म कोड लेना होगा, देना होगा। चेक पे मैंने आपको हसा दिया चुनावे करते 30 जनवरी 2023 कोटा रेल रोड को चक्का जामा मोहल्ली सिंह देव कमिया इन गाड़ी थोड़ा हो पूरे दिन करना ठीक है। और ये हमारा अधिकार है। और सरना धर्म के बारे और एक चीज हम कहना चाहते हैं कि दुनिया भर में जितने देश हैं और उनका जो संगठन है जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, उस यूनाइटेड नेशन में भी असेंबली या पार्लियामेंट होता है, उसको कहा जाता है जनरल असेंबली। तो अभी 13 सितंबर 2022 से उसका जो सभापति है उसका नाम है कासाबो कोरेसी। उसने अभी 13 सितंबर 2022 को क्या कहा है एक लाइन में मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मतलब पूरी दुनिया का जो सभापति है उसने क्या कहा, यदि प्रकृति के संरक्षण प्रयासों को सफल बनाना है तो हमें आदिवासी आबादी से उनकी भाषा में सुनना होगा। देखिए इसको समझिए, पूरी दुनिया में करीब जो 200 देश हैं उसका जो सभापति है उसका नाम है कासाबो कोरेसी। उसने 13 सितंबर को 2022 इसी साल क्या कहा कि यदि प्रकृति पर्यावरण को बचाना है तो आदिवासी से बात करना होगा और उसकी भाषा में सुनना होगा। मतलब पूरा दुनिया मानने को तैयार है कि आदिवासी ही दुनिया को बचा सकता है और उसकी भाषा से ही बचेगी। तो हम वही चाहते हैं भारत देश के लोगों से, नेताओं से, पार्टियों से कि हमें हमारा सरना धर्म कोड देना होगा और हमको लेना होगा। तो ये हमारा प्रथम एजेंडा है। दूसरा एजेंडा हमारा है ये झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है। ये आदिवासी राज है मूलतः, जैसे बंगालियों के लिए बंगाल, उड़िया उड़ीसा, पंजाबी पंजाब, बिहारी बिहार, तो आदिवासियों के लिए ये राज बना है मूल रूप से। और इसीलिए यहाँ छोटा नागपुर संताल परगना जैसे कानून है, पांचवी अनुसूची पीएसी पेशा कानून, बहुत सारा कानून है। क्यों? क्योंकि ये पहले भी आदिवासी राज था, अब भी है, लेकिन ये आदिवासी राज को लूट झूट कर आज बना दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में पहली आदिवासी भाषा राजभाषा के रूप में संताली भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय मान्यता इसको मिल गई। और इसी के साथ मुंडा क्षेत्र में मुंडा भाषा, उराव क्षेत्र में कुड़ुख भाषा, हो क्षेत्र में हो भाषा, भूमि क्षेत्र में भूमि भाषा आदि भी यहाँ लागू होना चाहिए, खड़िया क्षेत्र में खड़िया भाषा। तो दूसरा हमारा एजेंडा है भाषा हम यहाँ लागू करके छोड़ेंगे। तीसरा हमारा एजेंडा है झारखंड हमारा सपनों का झारखंड है। बिरसा मुंडा सिद्धो मुर्मू ने क्या कहा, अबो अब राज,
तो ये अब अगुआ देशों में अगुआ राज नहीं रहा, तो इसको फिर से आदिवासी राज हम लोग बनाएंगे, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ केवल संविधान कानून लागू होने से ये बन जाएगा। आज झारखंड में संविधान कानून का राज नहीं है, जंगल राज चल रहा है। यहाँ CMP SPD कानून लागू नहीं है, इसलिए रांची शहर में जितना आदिवासी का जमीन है गैर आदिवासियों ने लूट लिया। तो ये गैर आदिवासी जो लूटे रहे हैं वो कानून के उल्लंघन करता, कानून की नजर में वो दोषी है, अपराधी है, उसको जेल जाना चाहिए। तो झारखंड में कुछ भी कानून लागू नहीं है, जंगल रूल चल रहा है। तो झारखंड में संविधान कानून को लागू कराएंगे और हम इसको फिर एक बार आदिवासी राज बनाएंगे। 4 नंबर हमारा एजेंडा है कि असम और अंडमान के चाय बागानों में अंग्रेजों ने जबरन यहाँ के आदिवासियों को 150 साल 200 साल पहले ले गए। अभी तक वे लोग ना असमीज बने, ना शेड्यूल ट्राइब बने, ना लोकल के रूप में उनको मान्यता है, उसको OBC बोलते हैं। और जहाँ तहाँ चाय जनजाति टी ट्राइब, तो आदमी को ये लोग चाय बनाते हैं। चाय को हम लोग उबाल के पीते हैं, तो आदिवासी को भी ये लोग उबाल के पीने वाला है। तो भारत देश एक है, संविधान एक है, और संथाल मुंडा उड़ाव खड़िया भूमि एक है। तो यहाँ जो चीज आलू है क्या आसाम में टमाटर बन जाएगा? तो ये भी हमारा एजेंडा है कि हम इनको हर हाल में आदिवासी बनाएंगे। और 5वां एजेंडा हमारा है कि ये जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है ये संविधान कानून के तहत नहीं चलता है, और वहां पर वंश परंपरागत हमारे माझी परगना मानकी मुंडा बनते हैं, और अधिकांश अनपढ़ पियकड़ संविधान कानून नहीं जानने वाले, और इसलिए गांव में एकता नहीं है, गांव में ईर्ष्या द्वेष है, गांव में नशापन है, अंधविश्वास है, कायम प्रथा है, वोट को हड़िया दारू चकना में बेचने की परंपरा है, महिला विरोधी मानसिकता है। तो ये सारी जो कुरीतियां कुप्रथा है हर गांव में है। हर आदिवासी गांव समाज में एक आदिवासी प्रमुख होता है, और वो प्रमुख यदि अनपढ़ पियकड़ ना समझ होगा तो बाकी गांव के लोग कैसे हो सकते हैं? समझ लो हरेक आदिवासी गांव समाज एक रेलगाड़ी है, और उसका इंजन ही मटाल होगा, डमाडोल, तो डब्बा क्या करेगा, वो भी डबल डबल होते रहे। तो पूरे भारत के आदिवासी गांव में सती प्रथा की तरह इसको सुधारना होगा। सती प्रथा में भी पुरुष मर जाए तो स्त्री को जिंदा आग में छोंका जाता था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने विरोध किया, उसका विरोध हुआ, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की अंग्रेजों को पता चला तो 1829 साल में अंग्रेजों ने कानून बनाया, सती प्रथा रोक दिया। 200 साल हो गए, आदिवासी वही सती प्रथा के रूप में अभी तक जी रहा है, छोड़ दिया। तो हम आदिवासी सही अभियान की तरफ से इसकी कोशिश लगा दिए हैं कि हर गांव समाज को सुधारेंगे, और गांव का जो इंजन होगा, गांव ही के लोग जनतांत्रिक तरीके से स्त्री पुरुष बैठ के चुने तो निश्चित है वो लोग पढ़े लिखे आदमी को चुनेंगे, निश्चित है नशा नहीं करने वाले आदमी को चुनेंगे, क्योंकि सबको विकास करना है, सबको शिक्षा स्वास्थ्य विकास का लाभ लेना है। लेकिन अभी सब गांव का आदिवासी का जो मालिक है वो पियकड़ नंबर 1 होता है, तो क्या बोलते हैं, नो सुधर चलाएंगे, पापो सुधर करने को बुजुर्ग गया और ओना तक नित को बुजुर्ग करना। तो इन 5 मुद्दों के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। अब हम समस्या नहीं समाधान की बात करना चाहिए, और मीडिया के मार्फत भी इसको शेयर करेंगे। वो ये है कि अभी भी आदिवासी के पास बहुत ताकत है, और यहाँ कई
आदिवासी आए होंगे जो मुंडा उगरावादी हैं, जो रांची के इर्द रहते हैं, ये तो संथाल लोग ज़्यादा आए हैं क्योंकि हमारे आदिवासी सिंगल अभियान के साथ हैं। मैं मुंडा उगरावा के बीच में भी बहुत काम किया हूँ क्योंकि डोमिसाइल आंदोलन वास्तव में हमने शुरू किया था, लेकिन डोमिसाइल आंदोलन का मकसद इसको रखो इसको भगाओ नहीं, कौन स्थानीय है उसकी पहचान होनी चाहिए और स्थानीय की पहचान उसकी भाषा संस्कृति और जातिगत सूची से हो सकती है। उसके लिए खतियान जरूरत नहीं है। खतियान तो अंग्रेजों का भी था, खतियान अंग्रेजों भी बनाए थे, 200 साल तक भारत में वो थे, लेकिन वो तो भारतीय नहीं बने।